नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोपालगंज जिले में अर्ध सैनिक बल विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं फ्लैग मार्च। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज जिले में पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं केंद्र से अर्ध सैनिक बल के जवान भी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में पहुंच चुके हैं। जवानों के साथ अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने मीरगंज शहर में जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों को भयमुक्त हो मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि किसी को भी असामाजिक तत्वों से डरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी के भी प्रकार के दबाव में आना है। निर्भीक होकर अपने मत का उपयोग करना है, इसी के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोगों में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहे। एक्चुअली हम लोग मार्केट में अभी फ्लैग मार्च करके कर रहे हैं एरिया डोमिनेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ जो कोविड के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है और सरकार की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के आलोक में ही हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोग मास्क का यूज करें। और एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत ये भी हम लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आइए, मतदान करिए, आप सुरक्षित हैं, हमारा मतदान सुरक्षित है, हमने आपका आपके लिए कोविड के अंतर्गत ही पूरी व्यवस्था की रखी हुई है। किसी तरह के असामाजिक तत्वों से डरना नहीं है, किसी का दबाव में नहीं आना और आके अपने मत का प्रयोग करना है। जिस भी पक्ष में आपको करना हो आके अपने मत का प्रयोग करें और सुरक्षित मतदान करें, लेकिन मतदान करें निश्चित आए। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में कहीं संशय हो, डर हो, भय हो, तो हम लोग मूव करके लोगों को बताएं, काउंसलिंग करें कि आप लोग आइए, सुरक्षित रहें, सुरक्षित आइए, सुरक्षित मतदान करिए, आपका मतदान बिल्कुल सुरक्षित है, आके मतदान। अभी हम लोग मीरगंज पूरे मार्केट में कर रहे हैं, सवरेजी एरिया जाएंगे, अदर एरिया भी हम लोग जाने का प्लान है। अभी फिलहाल हम लोग मीरगंज पूरे मार्केट को ही सैनिटाइज कर रहे हैं।